अमेरिका के डलास में विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 2 स्नीपर्स ने पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण 5 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया है, जबकि 1 ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिनेसोटा के उपनगर सेंट पॉल और लुडिसियाना के बेटन रोज में इस सप्ताह हुई घातक पुलिसिया गोलीबारी के विरोध में कल सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे। ये प्रदर्शनकारी बुधवार को मिनेसोटा के एक अधिकारी द्वारा फिलांदो कास्टाइल को गोली मार दिए जाने के बाद जुटे थे। सेंट पॉल उपनगर में जिस समय कार में बैठे फिलांदो को गोली मारी गयी, उस समय कार में एक महिला और बच्ची भी थी। गोली मारे जाने के बाद घटनाक्रम को फेसबुक वीडियो के जरिए शेयर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इस हफ्ते पुलिस द्वारा अश्वेत व्यक्ति पर घातक गोलीबारी व्यापक नस्लीय भेदभाव की सूचक है और सभी अमेरिकियों को इस तरह की घिनौनी घटनाओं से तकलीफ होनी चाहिए। टीवी चैनलों पर डलास की जो फुटेज सामने आई है, उसमें प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध ने वार्ताकारों को चेतावनी दी कि उसके इलाके में हर जगह बम लगाए जाएं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।